अस्सलामुअलैकुम। छाती का कैंसर ख्वातीन में जिल्द के कैंसर और फेफड़ों के कैंसर के बाद मौत का बायस बनने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। छाती उन खुलियों की गैर मामूली नशोनुमा है जो छाती के लेब्यूल्स या नालियों में गर्दिश करते हैं। ये खुलिये बेकाबू होकर बढ़ते रहते हैं और जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैलने की सलाहियत रखते हैं। मर्द और ख्वातीन दोनों को छाती का कैंसर हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2021 में ऑस्ट्रेलिया में 19,866 ख्वातीन और 164 मर्दों में छाती के कैंसर की तशखीस की गई। छाती के कैंसर की अलामत बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ होती है, लम्ब से लेकर सूजन तक और सूजन से लेकर जिल्द की तब्दीलियों तक। बाज़ औक़ात एक लम्ब बहुत छोटी होती है जो आप महसूस नहीं कर पाते। दीगर मामलात में छाती के कैंसर की पहली अलामत छाती में एक नई लम्ब या मास होती है जिसे आप या आपका डॉक्टर ही महसूस कर पाता है। एक लम्ब जो दर्द से पाक सख्त और नाहवार किनारों पर मुश्तमिल होता है, इससे कैंसर होने का इम्कान ज्यादा होता है। अपने डॉक्टर के जरिए किसी भी गैर मामूली चीज की जांच करना बहुत जरूरी है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक तरजेल तब्दीलियों में से कोई भी ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है। छाती के तमाम या किसी हिस्से की सूजन, जिल्द की जलन, छाती का दर्द, निपल में दर्द, निपल का अंदर की तरफ मुड़ना, निपल या छाती का लाली, खुरदरी या गाढ़ा होना, छाती के दूध के अलावा निपल से खारिज होने वाला मादा। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है और आपको छाती के कैंसर का ज्यादा खतरा है तो आपको डॉक्टर से सालाना मेमोग्राम और जिस्मानी मुआयना जरूर करवाना चाहिए। छाती के कैंसर की जितनी जल्दी तशखीस की जाए, इतनी ही जल्दी आपके कामयाब इलाज के इम्कान बेहतर होते हैं।